प्रताप दल द्वारा 18वां सामूहिक अस्थि विसर्जन 23 मई को अशोक नगर से बस द्वारा हरिद्वार के लिए रवाना होंगे। हिंदू रीति रिवाज से उन्हें विसर्जन किया जाएगा। संस्थापक लाला सालवी ने बताया, जो भी अस्थि विसर्जन में आना चाहे दो दिन में रजिस्ट्रेशन करवा देवे। मेवाड़ प्रताप दल संरक्षक रमेश लालवानी, मेवाड़ प्रताप दल सन 1998 से सामूहिक अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम करता आ रहा है। शहर में जितने भी निर्धन और असहाय व्यक्ति जो अपने परिवार के अस्थि हरिद्वार विसर्जन के लिए नहीं ले जा सकते हैं, मेवाड़ प्रताप दल प्रतिवर्ष यह कार्य करता है और इस कार्य में निस्वार्थ और बिना पैसे के करता है। किसी से सहयोग नहीं लिया जाता है, हमारे अपने जो सहयोगी हैं वही सहयोग करते हैं। अभी तक संगठन 3,580 व्यक्तियों की अस्थि हरिद्वार विसर्जन कर चुका है, जो ये विसर्जन बिल्कुल हिंदू विधि विधान से होता है। ये हिंदू समाज में मान्यता है कि जब तक मृत व्यक्तियों की अस्थि हरिद्वार नहीं विसर्जन की जा सकती है, उसकी आत्मा को मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। तो मेवाड़ प्रताप दल ने यह कार्य अपने हाथ में लिया है और प्रतिवर्ष यह कार्य करते आ रहे हैं। इस वर्ष भी 13 मई को उदयपुर से रवाना होंगे और 15 मई को हरिद्वार में विसर्जन किया जाएगा। आगे वो उदयपुर मैं आपके चैनल से माध्यम से मुझे सूचित कराना चाहता हूँ कि हर वर्ष की भांति मेवाड़ प्रताप दल अस्थि विसर्जन करता है और ये 98 से कर रहा है। संगठन बना है 95 से और अस्थि विसर्जन करता है 98 से और अभी तक 2580 अस्थि ले जा चुका है और विधि विधान हिंदू रीति रिवाज से गंगा घाट पर इसका विसर्जन किया जाता है। और इस बार 10 तारीख बुधवार को सुबह 9 बजे सभी अस्थियों का साफ सफाई होगी। जो राख वगैरह शामिल डब्बे में पैक करके छोड़ के चले जाते हैं, उनके हमारे संगठन के सभी कार्यकर्ता महिला एवं पुरुष सभी मिलकर सफाई करेंगे सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक। इसमें जो किसी भी अस्थि के साथ में आना चाहे, सफाई कराना चाहे, कोई मदद करना चाहे तो कर सकता है। और मैं आपके चैनल से माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो इस ग्रुप में जुड़ना चाहे या कोई मदद करना चाहे तो कर सकता है। और 31 तारीख के पहले पहले, मतलब 5 तारीख से पहले पहले जो भी अगर हमारे साथ में चलना चाहे तो रजिस्ट्रेशन करवा लें ताकि वो इस संगठन का लाभ उठा सके, ये मैं कहना चाहता हूँ। जिला सचिव, गीता में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति मरता है, व्यक्ति की जब मृत्यु होती है तो वो अपना देह बदलती है, आत्मा मर रहती है, लेकिन जो शरीर छूटता है उस शरीर को जलाने के बाद जो अस्थियाँ होती है उसका हमारे हिंदू रीति रिवाज में 16 संस्कार में कहा गया है कि उसका विसर्जन होना चाहिए। विसर्जन के लिए मेवा प्रताप दल ने एक बीड़ा उठाया है। 1998 से संस्था काम कर रही है। इस संस्था के द्वारा विगत कोरोना काल में भी हमने देखा था कि जब अस्थियों को या जो लाशें लाते थे शमशान स्थल पर कोई हाथ नहीं लगाता था। हमारी टीम ने उसमें बहुत बड़ा सहयोग किया था और उसके कारण ही पिछले साल भी कोरोना काल के जो अस्थियाँ थी दो बस के द्वारा अस्थियों को ले जाया गया था। इस बार भी 13 मई को हिंदू रीति रिवाज से गायत्री शक्तिपीठ के द्वारा माध्यम से यज्ञ होगा। यज्ञ होने के बाद जो परिवार किन्हीं कारणों से नहीं जा पाते हैं या उनको पूरा अंदेशा नहीं होता है कि हरिद्वार में किस तरह से काम होता है, उन लोग परिवारों को साथ लेकर पूरे परिवार के साथ वो लोग उपस्थित रहते हैं। उनके स्वयं के हाथ से उन अस्थियों का विसर्जन करवाया जाता है। वहाँ गंगा किनारे हरिद्वार में वहाँ के लोगों में भी एक ऐसी भावना है, जब मेवाड़ से मेवाड़ प्रताप जाता है तो उन लोगों को उत्सुकता रहती है कि साल में वो टीम आएगी और इस पुण्य को काम करेगी। यानी कि देखा जाए तो हिंदू समाज के अंदर मेवाड़ प्रताप दल वो कार्य कर रहा है जिस कार्य के लिए हर व्यक्ति की एक अपेक्षा रहती है और इस साल हमारा हर समय
या तो हनुमान जयंती रहता है या जो उसके बाद जो समय आता है उस हम निकलते हैं। इसी क्रम में 15 मई 2023 को गंगा किनारे इसका विसर्जन किया जाएगा और इसी क्रम को लेते हुए वर्तमान में 130 से ऊपर हमको अस्थियाँ गौशाला से प्राप्त होगी और जो परिवारजन है यानी 40 से ऊपर जो परिवारजन है वो अस्थि हमारे साथ लेके आएंगे। हो सकता है इसमें चित्तौड़ और अन्य आसपास जो क्षेत्र हैं उस क्षेत्र से हमें मिले क्योंकि हर साल हमें वो लोग भी साथ आते हैं। हम आपके इस चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं उदयपुर की जनता को कि मेवाड़ प्रताप दल द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसमें किन कारणों से आप लोग परिवार के स्थान ले जा पा रहे हैं तो आप यहाँ आएँ और हमारे साथ चल सकते हैं। वर्तमान में 2021 से लेकर मार्च 2021 से लेकर अप्रैल 2022 तक की अस्थियाँ हमको मिलेगी और पूरी सूची बनकर यहाँ हमको साफ सफाई कर कर अस्थियों को यहाँ से हमको दिया जाएगा और उसको हमारी टीम के द्वारा इस टीम के नेतृत्व करते हैं आदरणीय लालजी भाई साहब जो उनके संस्थापक हैं और ओंकार जोशी जिला अध्यक्ष हैं। महिला टीम भी हमारी बनी हुई है जिसमें मंजू जी हैं। पूरी एक टीम की भावना से पूरा समय साथ देकर इस कार्य को किया जाता है और मेवाड़ के अंदर यह पूरा दल मेवाड़ प्रताप दल के नाम से जाना जाता है पुण्य काम में लगा हुआ है। हम आपसे चैनल से ये भी निवेदन करते हैं आम जनता से कि समय समय पर हमें इस कार्य में हमारे लोग साथ खड़े रहे ताकि हमें हमारा मनोबल भी बढ़ाना है। धन्यवाद। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ 2022 से 3200 से ऊपर हम पिछले साल ले चुके हैं मतलब अस्थि विसर्जन कर चुके हैं। इस बार 10 मई में जो हमारी गौशाला की यहाँ पे जो सभी कार्यकर्ता लेडीज व जेंट्स जो इनकी जो लावारिस अस्थियाँ वगैरह उनका क्या सभी तरह का वो काम कर करके वो डब्बे वगैरह बना बना के उनको एक जगह एकत्रित किया जाएगा और इसमें जो लावारिस लाते हैं उनका कोई सहयोग नहीं करता। इसमें हमारी महिलाएं कार्यकारिणी और सारी टीम वगैरह उनका क्या सहयोग करती है और हर जगह और हर साल आगे अस्थि विसर्जन में सहयोग। 13 मई से टीम वर्क वहाँ पे हरिद्वार पहुँचेंगे और 15 तारीख को हम उनका विसर्जन करेंगे और ये महिलाओं का सहयोग रहता है। ठीक है।